एमएलए अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने मराठा समाज के साथ मुस्लिम को भी एजुकेशन और नौकरी में 5% रिजर्वेशन देने की मांग की। महाराष्ट्र असेंबली में आज मराठा रिजर्वेशन बिल पास हुआ, जिसके बाद महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस शेख और अबू आसिम आजमी ने बैनर लेकर महाराष्ट्र सरकार से मांग की कि मुस्लिम को भी रिजर्वेशन दिया जाए। साथ ही कहा कि मुस्लिम्स के साथ नाइंसाफी बंद करो और मराठा समाज के साथ मुस्लिम्स को भी एजुकेशन और नौकरी में 5% रिजर्वेशन दिया जाए। दो अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की मौत, एक हुआ जख्मी। नारपोली पुलिस सीमा के अंतर्गत हाईवे देवा गांव के पास मुमरा के रहने वाले बिलाल नजर अंसारी अपने चचेरे भाई को मोटरसाइकिल पर बैठाकर भिवंडी आ रही थी, तभी देवे गांव के पास एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण 22 वर्षीय युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं दूसरी घटना भी इसी रोड की है, जहां भूमि वर्ल्ड पिंपलांसा फाटा के पास अपनी एक्टिवा से आ रही महिला को एक बुलेरो पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। इन दोनों मामलों में केस दर्ज कर पुलिस कर रही है मामले की जांच। भिवंडी के सिल्वर पैलेस बार के बाद नासिक हाईवे के राजौरी नाका स्थित सरोज ऑर्केस्ट्रा बार पर पुलिस ने छापा मारकर महिला वेटर, ग्राहक और मैनेजर समेत कुल 35 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं कोनगांव पुलिस को इस बार के खिलाफ गुप्त सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें 35 लोगों पर भारतीय की धारा 294-34 के तहत केस दर्ज किया गया। टेम्पो ड्राइवर को चाकू दिखाकर मोबाइल फोन छीना। भिवंडी के कटाई गांव स्थित महाराजा होटल के समीप चार लोगों ने मिलकर चाकू के नोक पर एक टेम्पो ड्राइवर से मोबाइल फोन छीन लेने की घटना सामने आई है। इस मामले में टेम्पो ड्राइवर की शिकायत पर पुलिस ने सनी, अनिल गायकवाड़, धीरज प्रकाश अग्रवाल सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ धारा 394, 323, 504, 34 सहित महाराष्ट्र पुलिस कायदा कलम 37(1), 135 के तहत केस दर्ज कर अनिल गायकवाड़ व धीरज अग्रवाल को हिरासत में लिया है। बीते दिनों दिल्ली के राजेंद्र भवन में वर्ल्ड यूनानी मेडिसिन डे सेलिब्रेट किया गया, जिसमें AIUTC की तरफ से होने वाले इस प्रोग्राम में भिवंडी के डॉक्टर नियाज आजमी को महाराष्ट्र स्टेट से नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसमें हाकिम मुख्तार इस्लाही को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया।